हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अखिल भारत हिंदू महासभा की छाया गौतम ने नगर निगम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से शौचालय की दीवारों पर हमारे आराध्य भगवान के चित्र बनाए गए हैं, जिन पर राहगीर एवं धर्म विरोधी लोग गुटखा खाकर थूकते एवं पेशाब करते हैं, जिससे ब्रजवासियों एवं आस्थावान लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। हम अपने आराध्यों का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए जगह जगह दीवारों पर बनी भगवान की पेंटिंग को जल्द से जल्द हटाया जाए, अन्यथा हम उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। मथुरा से हमारे संवाददाता गौरव कृष्ण गोस्वामी की रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन में पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं और ये आस्था का केंद्र बिंदु है मथुरा वृंदावन। यहाँ पे नगर आयुक्त द्वारा जगह जगह पे कूड़ा घर में, शौचालय पे, गंदी नाली के ऊपर हमारे देवी हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, जिसपे लोग थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। तो ये हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है और ये अपमान हम लोग अब सहन नहीं करेंगे। हम लोग आज नगर आयुक्त को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे जितने भी हिंदू देवी देवताओं के जो चित्रण आपने किया है वो सबको हटाया जाए। अगर वहाँ सुंदरता दिखानी है, चित्रण करना ही है आपको, तो आप प्राकृतिक चित्रण करिए, फूल बनाइए, पत्तियाँ बनाइए और भी कुछ बनाइए, लेकिन हम इस तरीके से अपमान नहीं सहन करेंगे। क्योंकि यहाँ विधर्मी भी इतने लोग रहते हैं कि किस किस को रोकेंगे, कैसे करेंगे। लोग जानबूझ के टॉयलेट कर रहे हैं, उस पर जानबूझ के थूक रहे हैं, तो ये अपमान अब सहन नहीं किया जाएगा। 7 दिन का हम लोग समय दे के जा रहे हैं कि 7 दिन के अंदर जितने भी मथुरा वृंदावन में हमारे आराध्यों के फोटो लगे हुए हैं वो सबको हटाया जाए, अन्यथा सभी हिंदूवादी संगठन एक होकर इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे। ये काफी समय से लगे हुए हैं, तो इससे पहले भी आपने इसकी शिकायत की है? जी बवंडर बाबा द्वारा 45 दिन पहले एक ज्ञापन और दिया गया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब बात की गई थी तो आश्वासन दिया था कि आज से ही इसमें ये सबको हटाया जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कोई चित्रण हटा नहीं है, कोई फोटो हटा नहीं है। आज ये हमारा दूसरा ज्ञापन है। दूसरे ज्ञापन पे अगर हमें लगेगा ठीक है 7 दिन का समय, अगर नहीं हटाएंगे तो हम दूसरे तरीके से उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या नगर निगम आपकी इन बातों को लेकर आगे कोई कार्रवाई कर पाएगा? निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। ये देश हिंदुओं का है और ये मथुरा वृंदावन सनातनियों का है, ब्रजवासियों का है। निश्चित तौर पर इनको कार्यवाही करने के लिए हम मजबूर कर देंगे। क्या नाम है और नगर निगम आयोग क्या मांगों ले रहा है? हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से हम सनातन धर्म प्रचारक रक्षक बवंडर बाबा। हम यात्रा मार्ग में मथुरा वृंदावन आए। मथुरा वृंदावन में हमने देखा नाली के ऊपर, पेशाब घर के ऊपर, कचरा पेटी के ऊपर हिंदू देवी देवता के चित्र, राधा रानी बांके बिहारी जी के चित्र है। इनको देख के हमारा हृदय बड़ा दुखा। आयुक्त को इतना समझ नहीं आया नगर को सुंदर बनाने के लिए और भी चित्र बनाए जा सकते थे। हमारे मंदिर कम पड़ रहे हैं बांके बिहारी राधा रानी के, जो उनके चित्र को पेशाब घर पे गंदगी पे बनाया गया है। IPC 295 एक्ट 153 का उल्लंघन आयुक्त महापौर द्वारा हुआ है। इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारे साथ हमारे सनातनी भाई बहन ब्रजवासी आए हैं, पुनः हम ज्ञापन के माध्यम से सूचित करने आए हैं। अनेक वीडियो फोटो हमने डाले हैं और मेन नगर निगम की पालिका के बाहर पेशाब घर में भगवान के चित्र बने हुए, इनको पूर्ण रूप से द्वितीय ज्ञापन में अनुरोध करने आए हैं। इस अनुरोध में अगर ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो एक सप्ताह बाद ब्रज के सारे हिंदू संगठन, भारत के सारे हिंदू सनातनी एकत्रित हो गए, इनके खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे और आयुक्त महापौर के खिलाफ अरेस्ट कैंपेन चलाएंगे, जो इन्होंने IPC 295 का उल्लंघन किया है। एक ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है, इनके द्वारा ये कहा गया है कि शहर में कुछ चित्रकारी और कुछ वॉल पेंटिंग हुई थी, उसमें कुछ देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे, उन पर कुछ लोग अनावश्यक रूप से गंदगी फेंकते हैं, उनको हटाने के लिए मांग की गई है। तो नगर निगम इसका संज्ञान ले रही है, अगर ऐसे चित्र कहीं बनाए गए हैं और शहर में हैं तो उनको या तो ढका जाएगा या दूसरे वहाँ चित्रकारी की जाएगी। कहते हैं कि ज्ञापन एक बार 45 दिन पहले बवंडर बाबा के द्वारा पहले भी दिया गया था, उसको कोई संज्ञान नगर निगम ने नहीं ले पाया। ऐसा एक संज्ञान में आया था, GIC की बिल्डिंग पे एक चित्रकारी की गई थी, हनुमान जी का चित्र था, तो उसको हटा के पुनः एक दूसरा चित्र बनाया गया था, उसको संज्ञान लिया गया। जब जो भी लोग बताते हैं तो उसका नगर निगम तत्काल पूर्ण रूप से कार्रवाई करती है। सर, अगर सुंदरता की बात है तो उनका कहना है कि फूल पत्तियों के फोटो भी बनाए जा सकते हैं, तो भगवान के क्यों बनाए जा रहे हैं? अब कुछ नगर निगम ने तो कुछ नहीं बनाए थे, कुछ किसी लोगों ने बनाए थे, वो हटवा दिए गए। तो नगर निगम को उसका संज्ञान है कि नगर निगम ऐसे चित्रों कभी भी
सड़क पे और अनावश्यक स्थान पर नहीं बन पाता है और न बनवाने के लिए किसी को निर्देश दिए जाते हैं। सर उनको हटाया जाएगा या बिल्कुल हटाया जाएगा, ऐसे कई चित्र बने तो हटाए जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।